हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं व्रत में खाने वाली नमकीन। तो व्रत में खाने वाली नमकीन हम कैसे बनाते हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी। तो ये हम डाल रहे हैं देसी घी, जो कि मखाना को हम रोस्ट करेंगे। अब घी हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये हम मखाने। तो इसको हम धीमी आंच पे भूंज लेंगे मखाने को। तो ये देखिए दोस्तों, मखाने हमारे अच्छे से भूंज गए हैं। इसको हमने धीमी आंच पे भूंजा। अब इसको हम निकाल के अब इसमें हम मूंगफली के दाने भी भूंज लेंगे। तो एक चम्मच हमने घी डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं मूँगफली के दाने। इसको भी हम धीमी आँच पर भूंज लेंगे अच्छे से। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा ख़राब आएगी। तो ये देखिए, हमारे मूंगफली के दाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मूंगफली के दाने निकाल लिए हैं। अब थोड़ा हमने इसमें नारियल डाल दिया। नारियल को भी थोड़ा हम हल्का सा भूंज लेंगे। तो ये देखिए, हमने नारियल को निकाल लिया है भूंज के। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी आधा चम्मच सौंफ। तो ये हमारी है सौंफ। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हमारे थोड़ा सा भुंज गए हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं अपनी ये नमकीन। अब इसको हम इसी में 2 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नमकीन को अपना भूंज के निकाल लिया है एक बर्तन में। तो इसमें हम ठंडा होने के लिए रख दिए। अब इसमें हम डाल देते हैं जो मसाला हम डालेंगे। तो ये हम चुटकी भर नमक डाल रहे हैं, आधा चम्मच से कम ही नमक है ये व्रत में खाने वाला नमक है। और ये हम डाल रहे हैं आधा चम्मच चीनी। और इसी में हम अपना जो कसा हुआ हमारा जो नारियल था ये भी मिला देते हैं। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी ये व्रत में खाने वाली नमकीन बनके तैयार है। तो दोस्तों, अगर आप व्रत रहें तो व्रत में इस तरह से नमकीन बनाकर एक दिन पहले रख लीजिए, फिर आपका जब भी मन करे तब भी आप इसे खाइए। तो दोस्तों, अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।